हासिलपुर के नवाही इलाके जमालपुर के रिहायशी पाक फौज के बहादुर जवान हाफिज मजहर हुसैन ने शुमाली वजीरस्तान के इलाके दित्ता खेल में जारी ऑपरेशन ज़र्बे अज़्म में दहशत गर्दों से मुकाबला करते हुए मुल्क कौम की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। शहीद ने जामे शहादत नोश करके न सिर्फ अपने वालदैन बल्कि पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाक फौज के नौजवान हाफिज मजहर हुसैन की नमाज जनाजा इनके आबाई गांव जमालपुर के गवर्नमेंट हाई स्कूल में अदा की गई। जनाजे में हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद हाफिज मजहर हुसैन को इनके आबाई गांव के कब्रिस्तान में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर और सलामी पेश की गई। शहीद सलामी जगह और कब्र पर फूलों के गुलदस्ते रखे गए। शहादत से शहीद के भाई का सर फख्र से बुलंद था। इसका कहना था, मैं अजहर हूँ और मुझे बस यही कहना कि मैं इसे शहीद अजहर का भाई हूँ और हम तीन भाई हैं और मुझे बस यही कहना है कि आज जो अगर उसने मुल्क की खातिर शहादत ली है तो हम तीन भाई हैं और तीनों हम इसी खातिर हैं और हम तीनों जान अपने मुल्क की खातिर जान कुर्बान कर देंगे। और दहशत गर्दों के लिए बस मेरा यही मैसेज है जो मैं कन्वे करना चाहूँगा कि हम इनकी एंड सेंट पर जा देंगे और आखिरी दम तक इंशाल्लाह हम लड़ेंगे। पाक फौज जो भी है इंशाल्लाह वो ऑपरेशन कर रही है और इंशाल्लाह जब तक हमारे इलाके क्लियर नहीं हो जाते हम ये ऑपरेशन जारी रखेंगे और इसके लिए अगर मेरी कुर्बानी की ज़रूरत पड़ी तो डेफिनेटली मैं हाजिर हूँ। और मेरे भाई ने इसके लिए कुर्बानी दी है, अपने मुल्क के लिए, कौम के लिए कुर्बानी दी, अपने इस इलाके के लिए कुर्बानी दी है, इसके लिए मैं उसका मशकूर हूँ। आई एम प्राउड ऑफ दैट पर्सन, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। शहीद के वालिद ने कहा कि मेरे तीन बेटे हैं, मुल्क कौम की खातिर अगर सब कुर्बान हो जाएँ तो मुझे इन पर फख्र होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत खुशी है, मेरे बेटे ने शहादत पा ली, मैंने इस मुल्क की खातिर इस सब की खातिर मेरे बच्चे ने नाली शहादत पा ली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, मेरे दो बेटे मैं वही इसे रात मुल्क की रात दे देंगे। इस मौका पर पाक फौज के कोर कमांडर कामरान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ये बहुत बड़ी सादत की बात है कि इस गाँव को और इनको इनके वालिद साहब को ये सादत हुई कि ये एक शहीद के वालिद हुए और ये गाँव एक शहीद का मस्कन हुआ। हम यहाँ पे ये भी पैगाम देना चाहते हैं कि हम उस वक्त तक खून बहाते रहेंगे जब तक कि इस वतन अजीज से एक एक दहशतगर्द को ख़त्म नहीं कर देते। ये हम सब का अज़म है और इस तरह की शहादतें हमारे अज़म को बुलंद तो कर सकती हैं, कम नहीं कर सकती। इनके तमाम जितने भी हमारे शहीद हुए हैं वो तमाम शहीदों का लहू रंग लाएगा और रंग ला रहा है और आप देख चुके हैं कि ज़र्ब अज़ब के बाद दहशतगर्दों की हर किस्म की कार्रवाइयों में नुमायाँ कमी आई है और ये कमी इंशाल्लाह आती रहेगी
اور جب تک ہم ان کو ختم نہیں کر دیتے تب تک ضرب عزب اور اس طرح کے تمام آپریشن چلتے رہیں گے۔ پاک فوج زندہ باد۔ حافظ مظہر حسین نے ملک و قوم کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ دے کر جام شہادت نوش کیا، جس پر نہ صرف اس کے والدین بلکہ پوری قوم کو فخر ہے۔ کیمرامین تسنیم ستار کے ساتھ ملک عبدالرشید، پاک نیوز، حاصل پور۔